सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। गीता के अध्याय 3 का 23वां श्लोक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो। ये जो श्लोक है, ये जो 23वां श्लोक है, ये बड़ा मूल्यवान श्लोक है। और भगवान जो है अपने विषय में बता रहे हैं, पहले श्लोक में 22वें भी बताया, अब 23वें भी बता रहे हैं। यदि हयम् न वर्तयम् जातु कर्मण्यतन्दितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम् न वर्तयम् जातु कर्मणि अतिन्द्रतः मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि यानी यदि ही यानी क्योंकि अहम् यानी मैं न यानी नहीं वर्तयम् यानी वर्तूं जातु यानी कदाचित कर्मणि यानी कर्मों में अतन्द्रिय यानी सावधान होकर मम यानी मेरे ही वर्तम यानी मार्ग का अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं मनुष्य यानी मनुष्य पार्थ यानी हे पार्थ सर्वशः माना सदा। क्योंकि हे पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय महानतम सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान ने 5,500 साल पहले ये जो गीता कही है, ये संसार के सारे जिज्ञासुओं को एक रास्ता बताया है, कल्याण का मार्ग बताया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुझसे बार बार कह रहा हूं कि तू युद्ध कर और तू पलायन का मार्ग जो है अपना रहा है। तो कह रहा है कि नहीं, युद्ध करने से क्या होगा, मुझे ज्ञान, अगर मुझे ज्ञान मार्ग ही है तो मुझे ज्ञान ही करा दो आप, युद्ध का क्यों, मैं युद्ध में क्यों डाल रहा हूं। तो तू ये पलायन का जो की बातें कर रहा है, यदि मैं इस सृष्टि का आधार अधिष्ठान और धारण करने वाला उत्पत्ति प्रलय और विनाश का कार्य ये करने में अगर मैं असावधान हो जाऊं तो बड़ी हानि हो जाएगी। हमने पहले के श्लोक में कहा है कि परमात्मा सच्चिदानंद अकर्ता अभोक्ता होने के बाद भी अपनी प्रकृति का नियंता होने के साथ ही प्रकृति में मौजूद अस्तित्व के रूप में सदैव मौजूद हर कण में रहता है। लेकिन यह अकर्ता अभोक्ता होने के बाद भी है ना, जब पृथ्वी पर सारे जीवों के कल्याण के लिए कई तरह के अवतार लेता है, अंशावतार लेता है, जैसे राम हुए कृष्ण हुए, पूर्णावतार लेता है जैसे भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था, कला अवतार लेता है भगवान जैसे कि भगवान ने योग का मार्ग लेने के लिए बताने के लिए
योग की कलाओं के को सबके सामने रखने के लिए पतंजलि ऋषि के रूप में अवतार लिए, कला अवतार लेते हैं। कृष्ण भगवान भी 16 कला के अवतार थे ऐसा कहते हैं। ज्ञान अवतार लेते हैं भगवान, जिसे बुद्ध के रूप में लिया भगवान ने अवतार, कपिल के रूप में लिया भगवान ने अवतार, और अन्य अन्य जितने भी ज्ञानी हुए हैं अष्टावक्र के रूप में लिया भगवान ने अवतार। तो ये ज्ञान सुखदेव जी के रूप में लिया भगवान ने अवतार। तो इस प्रकार से भगवान ज्ञान अवतार लेते हैं, और कभी कभी विध्वंस अवतार लेते हैं, मतलब विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं, जैसे परशुराम जी का अवतार हुआ था, और कभी कभी कृपा अवतार लेते हैं, कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं, परशुराम जी का और नरसिंह अवतार, ये दोनों अवतार ऐसे थे जो विध्वंस करने के लिए। कभी कभी हमेशा भगवान जैसे कृपा अवतार तो हमेशा लेते हैं, लेकिन कृपा अवतार लेते हैं भगवान गुरु गुरुओं के रूप में लेते हैं, सदगुरु के रूप में लेते हैं, और उद्धार अवतार लेते हैं भगवान सदगुरुओं के रूप में लेते हैं। कृपा अवतार में आप कह सकते हैं कि भगवान ने और बहुत सारे कृपा अवतार लिए हैं, उनकी कृपा जहां जहां प्रकट हुई है वे भगवान के कृपा अवतार हुए हैं। और ज्ञानावतार में आप, उद्धार अवतार में आप कह सकते हैं कि जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए, उद्धार किया उन्होंने बहुत लोगों का, और भी नानक, दादू, पलटू, रविदास, जितने भी जो है कबीर, जितने भी लोग महान संत, सिखों के दसों गुरु, ये सब भगवान के उद्धार अवतार थे, उद्धार करने वाले अवतार। तो वो सदगुरु के रूप में जब आते हैं तो बात वो चल रही है कि यदि मैं कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, यदि भगवान सदगुरु के रूप में ना आए तो फिर आप लोग ज्ञानी कैसे होंगे, फिर हमारे पास कैसे ज्ञान आएगा। तो जब भगवान सदगुरु के रूप में आते हैं, महापुरुषों के रूप में आते हैं, तो सारी मनुष्य जाति यथाशक्ति उनके जीवन का अनुसरण करती है। राम आए तो लाखों वर्षों तक रामत्व लोगों के जीवन में परिलक्षित होता रहा, कृष्ण आए तो आज भी भारत का कोना कोना उनके प्रेम की अनुगूंज में है, नरसिंह आए तो आज भी देखो भारत के हर हर शहर में आपको भगवान नरसिंह का मंदिर मिल जाएगा, बावन अवतार आए तो आज भी उनकी कथा बड़े श्रद्धा से सुनाई जाती है और उनके चित्र लगाए जाते हैं, 12 अवतार आए तो आज भी उन लोगों की स्मृति पर है कि पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी तो हिरण्याक्ष का सीना चीर कर भगवान लाए थे, है ना। नानक आए तो गुरुद्वारों में आज भी गुणगान होता है, और गुरु ग्रंथ साहब के रूप में आज भी जो है महानतम संतों की वाणियों का संग्रह है। कबीर आए तो उनके पद, उनके दोहे ज्ञान मार्गियों का अवलंबन बन गए। तो यदि भगवान कहते हैं कि मैं सावधान होकर अगर कर्मों में नहीं बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, अगर इस प्रकार से भगवान गुरुओं के रूप में, महापुरुषों के रूप में नहीं आए, आते मान लो तो क्या स्थिति बनती। अरे कबीर आए, मीरा आए, इन लोगों पे तो लोग पीएचडी कर करके रोटी खा रहे हैं। भैया कितना बड़ा उपकार कर दिया कबीर ने कि कबीर पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, तुलसीदास पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, रोटी शोटी कमा रहे हैं। तो कृष्ण और राम के सहारे, नाम के सहारे पर कितने आश्रम चल रहे हैं, लाखों परिवार पन रहे हैं, करोड़ों लोगों के जीवन में उनके नाम का सहारा है, कितने लोग तो उनके नाम के सहारे से डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। आपको मालूम है कि सतगुरु का सहारा कितना बड़ा सहारा होता है। कभी कोई आदमी मुसीबत में फंस जाए और सतगुरु को केवल फोन ही मात कर दे, खबर ही भिजवा दे, तो वहां से जो सहारा मिलता है उससे आदमी जो है पूरी की पूरी निराशा से बाहर आ जाता है। सदगुरु दुनिया का परम सहारा है। तो ऐसे राम और कृष्ण का नाम का सहारा लोग लेते हैं, श्रद्धा शांति और बेफिक्री से जीवन जीते, कहते ठीक है राम जी जो करेगा वही हो जाएगा, और बेफिक्र हो जाते हैं। अतः मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। अर्जुन
ये जो भारत भूमि है ये भगवान के प्रकट होने की स्थली है। भारत भूमि ब्रह्म योनि है, भारत भूमि में ब्रह्म प्रकट हुआ है। जैसे पुष्प हमेशा पौधे पर लगता है, ऐसा कभी देखा कि बिना डाल और बिना पत्ते के चट्टान पे फूल लग गया हो, न जड़ न कुछ न केवल फूल, किसी ने तोड़ के भरा डाल दिया हो लेकिन लग नहीं सकता है। ऐसे ही भारत भूमि ही वह पौधा व वृक्ष है जहां पर परमात्मा के ज्ञान का फूल खिल सकता है और भगवान यहाँ अवतार ले सकते हैं। अभी तक तो मैंने कोई देश में ऐसा देखा नहीं कि जहाँ भगवान ने अवतार लिया हो भारत के अलावा। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका इस भारत भूमि पर जन्म हुआ है और भगवान सदा भारत भूमि में जन्म लेते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस देश के अंदर जहां भगवान के चरण कमल न पड़े हो, ऐसा कोई इंच मात्र भी स्थान नहीं है, क्योंकि इतने सारे अवतार हुए हैं भगवान के, कोई ना कोई अवतार के चरण कमल कहीं ना कहीं पड़े हैं, इसलिए इस भारत भूमि को पुण्य भूमि कहा गया है। इसलिए जो भारत भूमि है इसको पुण्य भूमि कहा गया है। अब हम आपको एक बात बताएं कि आदमी केवल आंख से देख सकता है ना, आदमी आंख से देख सकता है, कान से तो देख नहीं सकता। इसलिए भारत भूमि इस पूरे विश्व की आंख है। तो ये जो पद है कि माया से ये परे परमात्मा का बोधक है, परमात्मा का बोधक है माया से परे, तो मैं जो पद है वो माया से परे परमात्मा का बोधक है। अतः तू जिस समय अपने अंदर के मैं तत्व को जान लेगा तू मुझे जान लेगा। मैं का मतलब अहंकार से मत लेना। कल जो बताया था ना कि जो दृष्टा है वो दृश्य से अलग है, वह आत्मा नहीं हो सकता है। दृष्टा दृश्य से अलग है, वह आत्मा नहीं हो सकता है। जबकि मैं और मेरा ये दोनों पद अलग अलग है। मैं परमात्मा है हूं, इसका जो बोध होने पर जब ज्ञानी का आचरण इस तरह का हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी का आचरण ऐसा होता है कि ज्ञानी का आचरण का अगर आप अनुकरण भी कर लें तो आपके अनुकरण मात्र से आपकी यात्रा शुरू हो सकती है। ज्ञान के होने पर ये सावधानी प्रतिक्षण बनी रहती है, सावधान रहने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली आदमी सावधान होता है, क्योंकि ज्ञानी ही साधन अवधान, उसका अवधान परमात्मा में होता है। इसलिए प्यारे मित्रों यह श्लोक आपको कहता है कि कर्ता भाव से सावधान रहो, एक क्षण भी साक्षी से मत चूको। जब आप देखोगे कि आपके अंदर एक ऐसी अवस्था घटित हो जाएगी जिसका नाम ध्यान है, और ध्यान घटित होने पर ज्ञान एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ध्यान ज्ञान का द्वार है। परंतु एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी आपके ज्ञानी सद्गुरु हैं, यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनका अनुसरण अवश्य करें। अनुसरण, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, शरण का मतलब होता है चलना, भगवान सदगुरु की शरण ग्रहण करके उनके पीछे पीछे चलना, आज्ञानुवर्ती होना, उसका उनका अभिप्राय मंतव्य भाव दशा इशारा सब कुछ समझने की आप में क्षमता होना चाहिए। आपको वैसा ही जीवन जीना चाहिए जैसा कि आपके सदगुरु आपको जीने का संदेश देते हैं क्षण क्षण की सजगता का। तो आज के इस सूत्र में बस इतना ही बताएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा आपकी सदा सहायता करे,
परमात्मा आप पर कृपा करे, आप इस परम सत्य को जान सके। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभ।